हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 20 की तीसरी हेडिंग कंकाल तंत्र के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आइए समझा जाए कंकाल तंत्र के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों पढ़ा जाए कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियाँ होती हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों का अस्थियों का एक ढांचा होता है और उसके साथ कार्टिलेज होते हैं, उपास्थियाँ होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो अस्थियाँ की ढांचा और उपास्थियाँ जो हैं यह आपस में मिलकर शरीर की गति में कंकाल तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़ों के भोजन चवड़ करना पड़े, ठीक है। मान लीजिए बिना जबड़ों का भोजन को पीसना हो, चवड़ करना हो, बिना पाद अस्थियों के टहलना हो, ठीक है, बिना पैर के हड्डियों के टहलना हो, ठीक है, तो कैसे यह संभव होगा, ठीक है। तो बिना अस्थियों के, बिना जबड़ों के यह संभव नहीं है। अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। अस्थि बोन और उपास्थि कार्टिलेज ये जो हैं यह विशेष प्रकार के कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियाँ होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि और उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियाँ कठोर होती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में साल्ट लवण के उपस्थिति से बोन्स क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, अस्थियाँ कठोर होती हैं। जबकि कोंड्रोइटिन, ठीक है, जबकि कोंड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य पैलिएबल बनाते हैं, ठीक है। जो कोंड्रोइटिन है ये लवण जो हैं उपास्थियों के मैट्रिक्स को प्लेएबल बनाते हैं, अनन्य बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। मनुष्य में यह जो कंकाल तंत्र है यह 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अच्छी कंकाल और उपांगीय कंकाल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियाँ होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्थि और उपास्थि जो हैं वे विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। मैट्रिक्स में लवण की उपस्थिति से अस्थियाँ जो हैं कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ड्रोक्टिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य बनाते हैं, ठीक है, पैलिएबल बनाते हैं, नरम बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है, ठीक है। तो मनुष्य में कंकाल तंत्र जो है वह 206 बोन्स अस्थियों और कुछ कार्टिलेज से बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कंकाल तंत्र को दो मुख्य समूहों में बांटा गया, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो आइए देखते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। पहले अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल अर्थात एक्सियल स्केलेटन में 80 अस्थियाँ होती हैं, 80 बोन होते हैं जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं, ठीक है। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियाँ होती हैं जो शरीर की मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटी, मेरुदंड, उपास्थि अर्थात उरोस्थि अर्थात स्टर्नम और पसलियाँ अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में कौन कौन आते हैं, तो आप देख रहे हैं करोटी, एस्कल, मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड, उरोस्थि, स्टर्नम और पसलियाँ, रिब्स,
ये सब अच्छी कंकाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आइए एक एक के बारे में पढ़ा जाए, करोट, मेरुदंड, स्टर्नम और पसलियों के बारे में। तो पहले देखते हैं करोट के बारे में, चित्र 20.6। ठीक है, तो करोट का फिगर आप देखें, मनुष्य के करोट का यह आरेख बनाया गया है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं मनुष्य की करोट का आरेख। ठीक है, मनुष्य के करोट का यह आपका स्कल का फिगर है, जिसमें अलग अलग बोन्स आप देख रहे हैं लगी हुई हैं। यह सबसे ऊपर आप देखें यह फ्रंटल अस्थि है, फ्रंटल बोन, फ्रंटल अस्थि। उसके बगल में आप पैराइटल अस्थि देख रहे हैं, फ्रंटल अस्थि, पैराइटल अस्थि, टेम्पोरल अस्थि। सबसे पीछे आप देखें ऑक्सीपिटल अस्थि। ठीक है, इसके नीचे आप देखें इधर ऑक्सीपिटल, कोंडाइल। सामने की तरफ आप देख रहे हैं गले में हार्ड अस्थि होती है, हार्ड बोन। ठीक है, जबड़े में देखें मैंडिबल अस्थि होती है, मैंडिबल अस्थि, मैक्सिला अस्थि। ठीक है, आप नाक में देख सकते हैं जाइगोमेटिक अस्थि है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें यहाँ पे स्फेनॉइड अस्थि है, एथेमॉइड अस्थि है, लैक्राइमल अस्थि है और नेथाल अस्थि है। ठीक है, यह सारी अस्थियाँ जो हैं मनुष्य के करोटी में पाई जाती हैं। मनुष्य के करोट में कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं एथमॉइड। ठीक है, जो हमारा आई चैम्बर है उसमें कौन कौन से बोन हैं, तो एथेमॉइड अस्थि है, लैक्राइमल अस्थि है, सामने की तरफ नेथाल अस्थि है। ठीक है, इधर जाइगोमेटिक अस्थि है। ठीक है, जबड़े में आप देख रहे हैं जाइगोमेटिक अस्थि और ठीक है, जबड़े में मैक्सिला अस्थि और मैंडिबल अस्थि है। ठीक है, गले में आप देख रहे हैं हार्ड अस्थि है, हार्ड बोन। ठीक है, स्कल की बात की जाए सिर में, तो सिर में आप ऊपर की तरफ सामने की तरफ फ्रंटल अस्थि, थोड़ा पीछे जो है पैराइटल अस्थि। ठीक है, कान के तरफ वाला जो बोन है वह टेम्पोरल अस्थि, सबसे पीछे देखें ऑक्सीपिटल अस्थि और ऑक्सीपिटल कोंडाइल। यह सारे बोन्स जो होते हैं मनुष्य के करोटी में पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। करोटी, तो आप पढ़ रहे हैं कि अक्षीय कंकाल। ठीक है, इसमें आपने देखा कि कंकाल तंत्र जो है वह दो समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोट, मेरुदंड, उरोस्थि, पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। तो पहले हम देख रहे हैं करोट के बारे में, स्कल के बारे में। तो करोट फिगर में हमने आपको बताया करोट अस्थियों के दो समुच्चय। ठीक है, करोट अस्थियों के दो समुच्चय हैं, कपालीय क्रेनियल और आननी फेसियल। ठीक है, जो आपका करोटी अस्थियां हैं इसके दो समुच्चय हैं, एक है कपालीय जो सर में है और एक आननी जो फेस पे है, फेसियल से बना है, और दोनों का जो ऐड है, दोनों का योग जो है वह 22 है। करोट की अस्थियों को में टोटल संख्या कितनी है, 22 है, और यह दो समुच्चय में बटे हैं, क्रेनियल और फेसियल, कपाली और आननी। कपाली अस्थियों की संख्या 8 है। ठीक है, जो आपका क्रेनियल बोन्स हैं उनके नंबर कितने हैं, 8 है। कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती हैं और ए मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण अर्थात कपाल को बनाती हैं। ठीक है, कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती है और ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण अर्थात कपाल को बनाती हैं। जबकि जो फेसियल बोन है, आननीय भाग में, फेसियल भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं, 14 कंकाली अवयव स्केलेटल एलिमेंट होते हैं जो करोट के सामने का भाग बनाते हैं। ठीक है, जो आपका फेसियल बोन है उसमें कितने बोन होते हैं, 14 स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो करोट के सामने का भाग बनाते हैं। ठीक है, आगे देखें, एक यू आकार की एकल अस्थि हार्ड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। ठीक है, एक यू आकार की अस्थि है जो मुख गुहा के नीचे स्थित होती है, हार्ड अस्थि इसकी बात हो रही है। एक यह आकार क्या है, यू आकार की। ठीक है, एक यू आकार की एकल अस्थि, सिंगल बोन, हार्ड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। यह भी कपाल में ही शामिल होती है। ठीक है, हार्ड बोन को भी कपाल में शामिल किया जाता है। तो एक यू आकार की
एकल अस्थि हार्ड मुख गुहा के नीचे स्थित होती है और यह भी कपाल में ही सन्निहित है। ठीक है, प्रत्येक मध्य कर्ण में तीन छोटी अस्थियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक मध्य कर्ण में तीन छोटी अस्थियां होती हैं। मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां होती हैं? तीन छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें मैलियस, इंकस और स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक मध्य कर्ण में तीन छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें मैलियस, इंकस और स्टेपिस कहा जाता है। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन तीनों अस्थियों को, मैलियस, इंकस और स्टेपिस को सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ दो अनुपाल अस्थिकंदों की सहायता से संधि योजन करता है। ठीक है, कपाल का जो भाग है, स्कल का भाग है, वह कशेरुक दंड के अगले भाग, कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ दो अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कंडाइल की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंदिक करोटिया या डाइकोंडोइलिक अस्कल इसे कहा जाता है, डाइकोंडोइलिक अस्कल का निर्माण करता है। ठीक है, तो कपाल भाग कशेरुक दंड के अग्रभाग के साथ दो अनुकपाल अस्थिकंदों ऑक्सीपिटल कंडाइल्स की सहायता से संधि योजन करता है, जिसे द्विकंदिक करोटिया डाइकोंडोइलिक अस्कल कहा जाएगा। ठीक है, तो यह आप पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि मनुष्य में यह तंत्र 200 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है और इन्हें दो समूहों में बांटा गया है, अच्छी कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, अच्छी कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां अच्छी कंकाल का गठन करती हैं। तो करोट के बारे में हमने आपको बता दिया, अब देखते हैं इसके मेरुदंड के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे उरोस्थि और फिर पसलियों के बारे में। यह चारों किसके भाग हैं? अच्छी कंकाल के भाग हैं। तो आइए देखते हैं कशेरुक दंड के बारे में। हमारा कशेरुक दंड 20.7, तो कशेरुक दंड का फिगर आप देख सकते हैं, यह जो है मेरुदंड है, कशेरुक दंड है, दायां पार्श्व दृश्य दिखाया गया है। इस कशेरुक दंड में आप देख रहे हैं बहुत सारे बोन्स हैं। यह आपके ग्रीवा कशेरुक है, सर्वाइकल वर्टिब्री है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुक सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे वक्षीय कशेरुक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यह आपके वक्षीय कशेरुक है और यह जो है कटिलंबर कशेरुक है। यहाँ से यहाँ तक जो कशेरुकाएँ हैं इन्हें क्या कहते हैं? कटिलंबर कशेरुक कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो कशेरुकाएँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? वक्षीय कशेरुक कहते हैं। और यह जो कशेरुक है इसे ग्रीवा कशेरुक कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। यह थोरैकिक वर्टिब्री है और यह आपका लंबर वर्टिब्री है। ठीक है, इसमें आप देखें अंतर कशेरुक पट्टी पाई जाती है, दो कशेरुकाओं के बीच में अंतर कशेरुक पट्ट पाए जाते हैं। यहाँ देखें नीचे की तरफ सैक्रम पाया जाता है जो त्रिक होता है, सैक्रम या त्रिक, और सबसे नीचे आप देखें यह अनुत्रिक होता है। ठीक है, अनुत्रिक, ठीक है, जो क्या होता है, एक होता है और संयोजित होता है। ठीक है, त्रिक जो है सैक्रमी होता है और यह भी एक संयोजित होता है। ठीक है, कट रीजन या लंबर कशेरुक जो है 5 होते हैं। कट रीजन या लंबर कशेरुक कितने होते हैं? 5 होते हैं। वक्षिक कशेरुक कितने होते हैं? 12 होते हैं। वक्षिक कशेरुक कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, जबकि ग्रीवा कशेरुक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, जो ग्रीवा कशेरुक होते हैं उनके नंबर 7 होते हैं। ठीक है, वक्षिक कशेरुक संख्या में 12 होते हैं। कटी लंबर कशेरुक जो होते हैं वे 5 होते हैं। त्रिक संक्रमी जो है वह 1 होता है, संयोजित होता है, और अनुत्रिकिक जो है 1 होता है और संयोजित होता है। ठीक है, तो टोटल जो है यह 26 इकाइयों का बना होता है। यह जो मेरुदंड आप देख रहे हैं यह 26 इकाइयों का बना होता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है,
मनुष्य का जो कशेरुक दंड है वह क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता है, ठीक है। यह जो कशेरुक है यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है, ठीक है। तो हमारा कशेरुक दंड जो है क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है जिन्हें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है, ठीक है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग, प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्टिब्री के बीच का भाग कैसा होता है? खोखला होता है, ठीक है। जिसमें तंत्रिकीय नाल, जिसमें तंत्रिका होकर गुजरती है, इसे तंत्रिकी नाल कहा जाता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है जिससे होकर मेरु रज्जु गुजरती है, स्पाइनल कार्ड गुजरती है, ठीक है। तो प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है जिससे होकर मेरु रज्जु गुजरती है, स्पाइनल कार्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस है। प्रथम कशेरुक का नाम क्या है? एटलस। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुपाल अस्थिकंदों के साथ अधिसंधियोजन करता है, ठीक है। यह ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ, ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ, ठीक है, संधियोजन करता है। कौन? प्रथम कशेरुक एटलस, ठीक है। तो प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुपाल अस्थिकंदों के साथ संधियोजन करता है, ठीक है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर, ठीक है, अगर कशेरुक दंड को कपाल की ओर से शुरू किया जाए तो कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा में 7 होंगे, वक्षीय में 12 होंगे, कट में 5 होंगे, त्रिक सक्रमी में 1 संयोजित होंगे और अनुत्रिक में 1 संयोजित कशेरुकों में विभेदित होते हैं, ठीक है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या, ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में, लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती हैं, ठीक है। यह जो आपका ग्रीवा कशेरुक की संख्या है वह मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। कशेरुक दंड मेरुरज की रक्षा करता है, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है। कशेरुक दंड मेरुरज की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कशेरुक दंड जो है मेरुरज की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थि स्टर्नम वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है, ठीक है। यह जो स्टर्नम आप देख रहे हैं यह आपकी उरोस्थि है जिसे स्टर्नम कहा जाता है। यह वक्ष के, ठीक है, वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है, एक चपटी बोन होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं पसलियों के बारे में, रिब्स के बारे में, ठीक है। तो मनुष्य में कितने रिब्स होते हैं? तो पसलियां अर्थात रिब्स की 12 जोड़ियां होती हैं। रिब्स की जो होती हैं वह 12 जोड़ियां होती हैं, ठीक है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है। प्रत्येक जो पसली है, रिब्स है, वो कैसी होती है? एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से, पिछले भाग में कशेरुक दंड से और अधर भाग में अर्थात सामने से उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह जो रिब्स हैं, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं रिब्स हैं, इन्हीं को रिब्स कहा जाता है। यह पतली चपटी अस्थि होती हैं जो पृष्ठ भाग में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। यह पीछे जाकर, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं और सामने की तरफ उरोस्थि से जुड़े होते हैं। सामने की तरफ यह उरोस्थि से जुड़े होते हैं जबकि पीछे की तरफ जाके यह वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ते हैं। पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। पसलियों कितनी जोड़ियां होती हैं? 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है, ठीक है।
इसके पृष्ठ सिरे पर, इसके पृष्ठ सिरे पर दो संधियोजन सतहें होती हैं, ठीक है, इसके पृष्ठ सिरे पर दो संधियोजन सतहें होती हैं जिसके कारण इन्हें द्विशिरस्थ बाइसिफैलिक भी कहते हैं, ठीक है। इनके जो पृष्ठ सिरे हैं उस पर दो संधियोजन सतह होती हैं जिसके कारण इन्हें बाइसिफैलिक कहा जाता है, द्विशिरस्थ कहा जाता है, ठीक है। अब यह रिप्स की जो 12 जोड़ियां होती हैं उनमें प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं, ठीक है। तो यह जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक जो पसलियां हैं इनको वास्तविक पसलियां कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर, 1 नंबर से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियां होती हैं इनको वास्तविक पसलियां कहा जाता है, ठीक है। 1 नंबर से 7 नंबर तक की पसलियों को क्या कहेंगे, वास्तविक पसलियां कहते हैं, ठीक है। ए जो हैं यह पृष्ठ में ए वच्ची कशेरुकों और आधारी भाग में उरुस्त के कचाब हेलाइन हेलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यह पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ जो है कशेरुक वच्ची कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं और सामने की तरफ हेलाइन कार्टिलेज से उरुस्त से जुड़ी होती हैं, ठीक है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां उरुस्त के साथ सीधे संयोजित नहीं होती हैं, ठीक है। जो 8वीं है 9वीं है और 10वीं है यह जो है डायरेक्ट जो है जाके स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, उरुस्त से नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। 8वीं 9वीं और 10वीं देखें आप आपस में जुड़कर यह जो संरचना है यह जाके उस जाके स्टर्नम से उरुस्त से जुड़ रही है, ठीक है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां जो है उरुस्त के साथ सीधे संयोजित नहीं होती हैं बल्कि कचाब उपास्त के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो यह कचाब उपास्त के संयोग से किससे जुड़ती हैं, 7वीं पसली से 8वीं 9वीं और 10वीं जाके 7वीं से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो 8वीं 9वीं और 10वीं देख रहे हैं यह तीनों जो है जाके किससे जुड़ती हैं, 7वीं से जुड़ती हैं, इसीलिए इनको कूट पसलियां कहा जाता है, इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां कहा जाता है, कूट पसलियां कहा जाता है, ठीक है। पसलियों के अंतिम दो जोड़ियां इग्राहवीं और बरहवीं, यह जो इग्राहवीं और बरहवीं हैं, ठीक है, पसलियों की जो अंतिम दो जोड़ियां हैं इग्राहवीं और बरहवीं अधर से जुड़ी नहीं होती हैं, यह जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां कहा जाता है, फ्लोटिंग रिप्स कहा जाता है, ठीक है, प्लावी पसलियां कहा जाता है। तो इग्राहवीं और बरहवीं को प्लावी पसलियां कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पसलियां जो हैं, पसलियों के कितने जोड़े हैं, पसलियों अर्थात रिप्स की 12 जोड़ियां होती हैं, प्रत्येक पसली जो है एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से और अधर भाग में उरुस्त के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसके पृष्ठ सिरे पर दो संधियोजन सतहें होती हैं, इसके पृष्ठ सिरे पर दो संधियोजन सतहें होती हैं जिसके कारण इन्हें द्विशिरस्थ बाइसिफैलिक भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ में ए वच्ची कशेरुकों और आधारी भाग में उरुस्त से कचाब उपास्त की सहायता से जुड़ी होती हैं, हेलाइन कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती हैं, ठीक है। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी की पसलियां उरुस्त के साथ सीधे संधियोजित नहीं होती हैं बल्कि कचाब उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती हैं, हेलाइन कार्टिलेज की मदद से 7वीं पसली से जुड़ती हैं, इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल पसलियां कहते हैं, कूट पसलियां कहते हैं, ठीक है। पसलियों की अंतिम दो जोड़ियां इग्राहवीं और बरहवीं अधर से जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें प्लावी पसलियां फ्लोटिंग रिप्स कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वच्छीय कशेरुक पसलियां और उरुस्त मिलकर, वच्छीय कशेरुक पसलियां और उरुस्त मिलकर पसली पंजर की संरचना करते हैं, रिब केज की संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो यह जो आप फिगर आप देख रहे हैं यह रिब केज की संरचना है जिसमें कौन कौन से भाग हैं, वच्छीय कशेरुक हैं, ठीक है, यह जो वच्छीय कशेरुक हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम वच्छीय कशेरुक, उसके बाद जो है आपका पसलियां हैं, रिप्स हैं और उरुस्थि हैं, वच्छीय कशेरुक कशेरुक दंड, वच्छीय कशेरुक जो पीछे की तरफ है यह वच्छीय कशेरुक,
उरोस्ती और पसली, यह सब मिलकर क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं, पसली पंजर की संरचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं पाद की अस्थियों के बारे में। ठीक है, पैर की हड्डियों के बारे में उसको समझते हैं। तो आपने देखा कि बच्ची कशेरुक पसलियां और उरोस्थी मिलकर पसली पंजर की संरचना करते हैं, रिब केज की संरचना करते हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। ठीक है, पादों की जो अस्थियां होती हैं, ठीक है, पादों की जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, यह अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। तो पादों की अस्थियां जो हैं अपनी मेखला के साथ, पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं, 13। ठीक है, 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद अर्थात भुजा की अस्थियां, ठीक है, जो अग्रपाद हैं भुजा, ठीक है, आर्म जो है उसमें कौन कौन सी अस्थियां हैं? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पसल्स अर्थात कलाई की अस्थियां संख्या में 8 होती हैं। मेटाकार्पसल्स अर्थात हथेली की अस्थियां जो संख्या में 5 होती हैं। और फलंजेज अर्थात अंगुलियों की अस्थियां जो संख्या में 14 होती हैं। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, यह जो फिगर है दाई अंश मेखला और अग्रपाद अस्थियां सामने से अभी दर्शित कराई गई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यह जो है आपका ह्यूमरस है, ह्यूमरस है, यह रेडियस अल्ना है। ठीक है, रेडियस अल्ना है, यहाँ पे आपकी कलाई की कार्पसल्स हैं और यह मेटाकार्पसल्स हैं और यह फलंजेज हैं। ठीक है, इनकी संख्या आपको बताया गया कि पादों की अस्थियां जो हैं अपनी मेखला के साथ उपांगी कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पाद में कितने बोन्स पाए जाते हैं? तो प्रत्येक पाद में जो है 30 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं वे कौन कौन होती हैं? तो आप देख रहे हैं ह्यूमरस होता है, रेडियस और अल्ना, कार्पसल्स जो कि कलाई की अस्थियां होती हैं संख्या में 8 होते हैं, मेटाकार्पसल्स जो हथेली की अस्थियां हैं संख्या में 5 होते हैं, और फलंजेज जो अंगुलियों की अस्थियां होती हैं जो संख्या में 14 होती हैं। ठीक है, अब आते हैं पैर के बारे में देखते हैं। फीमर, फीमर जो है ये आपके पैर में पाया जाता है। फिगर आप देख सकते हैं, यह आपका पैर का फिगर है। दाई श्रेणी अस्थि, ठीक है, दाई श्रेणी अस्थि और पश्चपाद अस्थियां सामने से इसमें अभी दर्शित कराई गई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यह जो है यह आपका, ये तो हो गया कमर का हिस्सा, जिसमें श्रोणी अस्थि, सैक्रम, इलियम, प्यूबिस, इस्टियम, यह सारी जो है कमर की अस्थियां हैं। पैर में अगर देखा जाए तो यह एक लंबी हड्डी है फीमर, यह आपका पटेला है और यह जो है टीबिया और फिबुला है। पतला वाला जो है फिबुला है, मोटा वाला टीबिया है, और एक लंबी हड्डी आप पैर में देख रहे हैं जिसको फीमर कहा जाता है। ठीक है, यह निचला हिस्सा में अगर आ जाए तो एड़ी की तरफ जो है टारसाल है, उसके बाद मेटा टारसाल है, और फिर अंगुलियों में फलंजेज है। टारसाल, मेटा टारसाल और फलंजेज, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, यह सारी संरचनाएँ जो हैं हमारे पैर की हड्डियों में पाई जाती हैं। कमर में आप देख रहे हैं इलियम है, ठीक है, इलियम है, श्रोणी अस्थि है, सैक्रम है, प्यूबिस है और इस्टियम है, यह सारी कमर की हड्डियां होती हैं। आइए देखते हैं आगे। हाँ, तभी आपने पैर का देखा, तो फीमर उर्व अस्थि कहते हैं, यह सबसे लंबी अस्थि होती है। जो फीमर है जो पैर में पाई जा रही है इसे उर्व अस्थि कहते हैं और यह सबसे लंबी अस्थि होती है। टीबिया और फिबुला टार्सल्स, टखनों की अस्थियां को टार्सल्स कहा जाता है, जो संख्या में 7 होती हैं। मेटा टार्सल संख्या में 5 होती हैं। और अंगुली अस्थियों अर्थात फलंजेज, ठीक है, कप के आकार की एक अस्थि है जिसे पटेला कहा जाता है, जो घुटने के अधर की ओर से ढकती है, जिसे घुटना फलक भी कहते हैं। ठीक है, तो फीमर जो है जिसे उर्व अस्थि कहते हैं, यह सबसे लंबी अस्थि होती है। टीबिया और फिबुला टार्सल्स, टखनों की अस्थियां टार्सल्स होती हैं जिनकी संख्या में 7 होते हैं। मेटा टार्सल्स की संख्या 5 होती है। और अंगुली
अस्थियाँ फलंजेज, ठीक है, यह होती हैं। कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेला कहा जाता है, यह घुटने के अधर की ओर से ढकती है, जिसे घुटना फलक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अंश और श्रोणि मेखला की अस्थियाँ। अंश और श्रोणि मेखला की अस्थियाँ अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र और पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। ठीक है, तो अंश और श्रोणि मेखला अस्थियाँ जो होती हैं, अंश और श्रोणि मेखला की जो अस्थियाँ हैं, यह अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र और पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला के दो अर्धभाग होते हैं, प्रत्येक मेखला के, प्रत्येक गर्डल के दो अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है। ठीक है, अंश मेखला अगर आप देखें तो एक क्या होता है, क्लेविकल होता है और एक स्कैपुला होता है। ठीक है, पीठ की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यह आपका स्कैपुला महसूस कर सकते हैं, और यह जो है गर्दन की तरफ जो है आपकी हड्डी है जो आगे की तरफ बढ़ रही है, इसे क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, तो यह अंश और श्रेणी मेखला की अस्थियाँ हैं, अक्षीय कंकाल और क्रमशग्र और पश्च पादों के बीच अधिसंयोजन में सहायता करते हैं। प्रत्येक मेखला में दो अर्धभाग होते हैं, प्रत्येक मेखला के दो अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में, अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल होता है और एक स्कैपुला होता है। ठीक है, स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में, ठीक है, स्कैपुला जो है वह वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे और सातवीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। स्कैपुला क्या होती है, स्कैपुला जो है वह वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरे और सातवीं पसली के बीच में, यह कहाँ शुरू होती है, दूसरे से लेकर सातवीं पसली के बीच में एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। ठीक है, स्कैपुला, स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। ठीक है, जो स्कैपुला है इसके पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक निकलता है, जो कि एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करता है, एक्रोमीन के साथ क्लेविकल क्या करता है, संधि योजन करता है। एक्रोमीन के साथ यह क्लेविकल जो है यह संधि योजन कर रहा है। यह आपका स्कैपुला है जो कि दूसरे और सातवीं पसली के बीच में स्थित होता है, दूसरे और सातवीं पसली के बीच में यह आपकी स्कैपुला स्थित होती है। ठीक है, यह चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करता है। आगे देखें, एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं, एक्रोमीन के नीचे जो है एक अवनमन गड्ढे के रूप में ग्लिनाइड गुहा होती है। ह्यूमरस का शीर्ष, जो ह्यूमरस है हैंड का जो बोन है, उसका शीर्ष जो है के साथ कंधों की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। ठीक है, तो एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधे की जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती हैं। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि होती है, क्लेविकल क्या होती है, प्रत्येक क्लेविकल जो है एक लंबी पतली अस्थि है जिसके दो वक्र पाए जाते हैं, इसके दो वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को समानतः जंत्रुक या कालर बोन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जंत्रुक या कालर बोन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्लेविकल जो है एक लंबी पतली अस्थि होती है जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को समानतः कालर बोन कहा जाता है, जंत्रुक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कमर में श्रोणि मेखला अर्थात पेल्विक गर्डिल। श्रोणि मेखला अर्थात पेल्विक गर्डिल में दो श्रोणि अस्थियाँ होती हैं, फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दो श्रोणि अस्थियाँ होती हैं, प्रत्येक श्रोणि अस्थि तीन अस्थियों के संलयन से बनती हैं। ठीक है, यह जो श्रोणि अस्थि आप देख रहे हैं यह तीन अस्थियों के संयोजन से बनती हैं, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। ठीक है, इनके मिलने से जो है श्रोणि अस्थि का निर्माण होता है। तो श्रोणि मेखला में दो श्रोणि अस्थियाँ होती हैं,
प्रत्येक श्रोणी अस्थि तीन अस्थियों के संलयन से बनी होती हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस के मिलने से बनी होती हैं। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टाबुलम होता है, ठीक है। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पे एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं, एस्टाबुलम कहते हैं, जिसमें उरु अस्थि अर्थात जो फीमर अस्थि है, लंबी अस्थि है, उरु अस्थि संधियोजन करती है, आके इससे एस्टाबुलम में जुड़ती है, संधियोजन करती है। अधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर, अधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिस संलयन बनाते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं अधर भाग में, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है, जिसमें क्या होती है, रेशेदार उपास्थि होती है, ठीक है। तो श्रेणी मेखला जो है पेल्विक गर्डिल है में दो श्रेणी अस्थियां होती हैं, प्रत्येक श्रेणी अस्थि जो है तीन अस्थियों के संलयन से बनती हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टाबुलम होता है, जिसमें उरु अस्थि अर्थात फीमर बोन जो है, ठीक है, संधियोजन करती है। अदर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिस संलयन, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपके कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे संधियां और जोड़ के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।